वेलकम दोस्तों, एमपी पुलिस सिलेबस 2020। अभी हाल ही में 4000 की जो पोस्ट निकल के आई है एमपी पुलिस में, उसके हिसाब से क्या सिलेबस रहेगा। हालांकि देखिए प्यारे मेरे दोस्तों, कि अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया गया है, फिर भी हम लोग एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यही आपका रहेगा, इससे थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पैटर्न देखिए, जीके आपका रहेगा सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ये आपका रहेगा 40 अंक का, ठीक है। इतने का रहेगा 40 अंक का। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, इसमें आपकी रीजनिंग आएगी जो कि 30 अंक की रहेगी। विज्ञान एवं, देखिए यहां पर भी सामान्य विज्ञान है, ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं सरल गणित। सरल गणित का अर्थ क्या है कि आपकी 10th लेवल का रहेगा, ठीक है, और सामान्य विज्ञान ये आपकी 10th लेवल की ही रहेगी, ये आपका है। कुल मिला के आपका 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, काफी आसान आता है, ठीक है। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, जो भी आपका एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, जो आपके कुछ साल पहले एग्जाम हुआ था, उसके सारे वीडियो मैंने इसमें डाले, क्योंकि जब एग्जाम होता था आपका, तो उसके जो क्वेश्चन आते थे मैं तुरंत वहां पर अपलोड करता था, आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपका क्या क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरेज, ठीक है, औसत, परसेंटेज रहेगा आपका, ये तो मामूली आपके रहते हैं, ये तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखिए तो लाभ हानि, घड़ियां, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। चलिए रेशियो हो गया आपका, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर ग्राफ, इस तरह से आपका ये पूछा जाएगा। कार और समय, टाइम एंड वर्क, समय और दूरी, ये आपका रहेगा। हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन और वॉल्यूम, इसी में आ जाएगा आपका ये। एचसीएफ, एलसीएम, भिन्न हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका घातांक हो गया, ये सभी जनरली आपके पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के एपिसोड डले हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट देखना है, आप उसमें लिखिए सिंपल इंटरेस्ट बाय भरत सर, आपका वहां पर सब कुछ निकल के आ जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ मैथ का सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या क्या आपका रहेगा जरा देखिए। रक्त संबंध, ठीक है, ए बी का पिता है, सी बी की माँ है, इस तरह से आपका यहां पर चलेगा। कोडिंग डिकोडिंग रहता है, जैसे स्टार को हम लोग कुछ भी मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो बताइए स्पोर्ट को क्या लिखेंगे, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग आपकी रहेगी, ठीक है, ये आपका होता है। या स्टार को हम लोग 4132 लिखते हैं, तो बताइए एप्पल को क्या लिखेंगे, इस तरह से आपका आएगा। वेन डायग्राम होता है आपका, वेन डायग्राम कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पर नंबर होते हैं 1 2 3, त्रिभुज को हम डॉक्टर कहेंगे, सर्कल को हमने आम बोल दिया, इस तरह से आपका रहेगा। इसमें दिशा और दूरी की बात करें तो एक तो ऐसा होता है कि राम पहले पूरब गया, फिर पश्चिम गया, फिर उत्तर गया, इस तरह से रहेगा। या इसमें ऐसा होता है कि राम ए बिंदु से बी बिंदु पूर्व 10 किलोमीटर गया, इस तरह से आपका पहले आपको पूरा फिगर बनाना पड़ेगा, तब आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आपका दिशा और दूरी हो गया, टेस्ट ऑफ अल्फाबेट हो गया, कभी कभी ऐसा होता है ए बी डॉट ए बी बी डॉट ए बी बी बी, इस तरह से आपका चलता रहता है, तो उसमें भी आपको देखना है अल्फाबेट में। एनालॉजी हो गया आपका, ठीक है, कैलेंडर हो गया, कैलेंडर के सभी पार्ट अपलोड है वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज तो दोनों का पार्ट होता है ये, कभी कभी हम इसको मैथ में भी काउंट करते हैं, कभी कभी रीजनिंग में काउंट करते हैं, ठीक है। आपका पेपर फोल्डिंग हो गया, ठीक है, पेपर फोल्डिंग को आपको देखना है। वाटर इमेज, अब वाटर इमेज से क्या क्वेश्चन आपके हो सकते हैं देखिए, घड़ी का भी वाटर इमेज से हो जाएगा, कैलेंडर का भी वाटर इमेज से हो जाएगा, सेम आपका ये भी रहता है मिरर, तो ये मिरर और वाटर इमेज कभी कभी आपका घड़ियां और कैलेंडर से बनते हैं, और कभी कभी सिंपल इमेज आपको दे दिया जाता है उससे भी आपका बन जाता है, ठीक है। मिसिंग कैरेक्टर आपके होते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता है, इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। और
नंबर सीरीज आपकी टू टाइप्स की होती है, एक आपका होता है मिसिंग नंबर सीरीज, एक आपका होता है कौन सा, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो ये आपका लगभग कुछ सिलेबस था अभी, हालांकि ऑफिशियल नहीं आया है, जैसे ही ऑफिशियल आता है तो उसका वीडियो हम लोग बनाएंगे। हालांकि ये आप 100% श्योर मानिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कि मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, जो आपका आएगा मैंने वही लिखा है। तो कम से कम अभी से इतना आप पढ़िएगा, ये आप पढ़ेंगे तो ये तो आपका आना ही आना है। ठीक है, सभी आपके एपिसोड डले हुए हैं, और एक बात ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रैक आप मत पढ़िए, आप कंसेप्ट बेस्ड पढ़िएगा, और सभी चैप्टर जो मैंने चैप्टर यहाँ पर डाला हुआ है कंसेप्ट आपको सभी के मिलेंगे, तो कंसेप्ट आपको लेकर चलना है। ठीक है, कंसेप्ट लेकर चलेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन किसी टाइप से पूछ दिया जाए आप बिल्कुल उसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था, तो तैयारी आज से करिएगा। और रही बात फिजिकल की, देखिए मार्च में आपका एग्जाम है, जैसे मैंने आपको एक ऑफिशियल वीडियो दिया था एक, कि आपका एग्जाम कब से चालू है, 6 मार्च 2021 से। ठीक है, यहां से आपकी एग्जाम चालू है, तो देखिए ज्यादा समय नहीं है आपके पास, 3 महीने उधर और 2 महीने इधर, 5 महीने आपके पास है। 5 महीने में आपको क्या करना है, तैयारी भी करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है और फिजिकल की भी तैयारी आपको करनी है, तो दोनों को आपको साथ साथ लेकर चलना है। सुबह और शाम को आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, और बीच का समय जो है वो आपको इसमें एग्जाम के लिए देना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। और भी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी टॉपिक में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सभी टॉपिक आपके डले हुए हैं, मैथ्स के सभी टॉपिक डले हुए हैं, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। दोस्तों एक बात आपसे और कहनी थी, देखिए दिन ब दिन वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो अगर आप फॉर्म डालने के लायक हैं, एलिजिबल हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, जितनी जल्द से जल्द जॉब हो सके आप उसको पा लीजिए। आप देख रहे होंगे, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे एसएससी सेक्टर हो, चाहे आपका पुलिस लाइन, कोई भी आप सेक्टर देख सकते हैं, तो वैकेंसीज इंक्रीज की जगह डिक्रीज होती जा रही हैं। ये फॉल्ट किसकी है वो तो भगवान जाने, बट आप देख सकते हैं जो भी वैकेंसीज निकल रही हैं आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे वैकेंसी का होना कम होता जा रहा है, जिससे कि आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सिलेबस है आप उसमें लगे रहिए, आप 2 से 3 महीने के बीच में सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग से कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पिछली भर्ती में नहीं हो पाया वो तैयारी करेंगे, तो उनके लिए क्या है कि पूरा सिलेबस उनके माइंड में है, पूरे कंसेप्ट उनके क्लियर है, तो बस आपको रिविजन करते जाना है। और जो नए हैं सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद रिविजन अपना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा उनको सही दिशा में सफलता मिल सके। ठीक है, ये आपसे कहना चाहता था मैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसी तैयारी करें जो आपका फरवरी या जनवरी का महीना जो आपका है वो बस रिवीजन में आपका होता रहे, रिवीजन करेंगे तो आपको चीजें रिवाइज होंगी, याद होंगी, क्योंकि एक बार में आप लोग सब कुछ याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं इंसान हो। ठीक है, इसलिए दिमाग में उतनी चीजें आ सकती हैं जितनी हमारी मेमोरी है, तो चीजों को रिवाइज करते जाना है तो आपको अच्छे से याद होता जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।